मित्रों शुभ नमस्कार। आप सभी को दीपावली के पंचदिवसीय महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके जीवन में कुछ नया हो, उसके जीवन में शुभता बढ़े, धनागम हो, आने वाला जीवन पूरे परिवार की समृद्धि के साथ आगे बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा से पूरा जीवन भरा रहे। तो हमारे सोचने से नहीं होगा, हमें करना होगा। क्या करना होगा? एक सरल उपाय, एक सरल प्रयोग जिसके आधार पर आपके जीवन की सार्थकता, सकारात्मकता बढ़ेगी। और कब करना है? तो अब ऐसे में जब आपको देव तिथि मिल जाए, आपको पवित्र तिथि मिल जाए, आपको पुण्यदायक तिथि मिल जाए, तो बात क्या पूछने है। तो सबसे पहली बात है कि वर्ष में जिस तिथि का हम इंतजार करते हैं, धनतेरस, वह आने वाला है 12 नवंबर 2020 को। और इस दिन क्या सरल से सरल उपाय करेंगे, इसको हम जान लें। तो सबसे पहली बात करना चाहिए, धनतेरस के दिन आप क्या करेंगे कि घर की साफ सफाई, धनतेरस से पहले, धन त्रयोदशी से पहले आप घर की साफ सफाई कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, कूड़ा करकट जो है उसको बाहर करिए, कबाड़ दूर करिए, खराब चीजों को बदल डालिए, उपयोगी चीजों को ही घर में रखिए। क्योंकि जो राहु है वह प्रतीक है कूड़ा करकट का, अव्यवस्था का। तो जितना कूड़ा करकट और घर अव्यवस्थित होगा, उतना राहु का प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा और नकारात्मकता बढ़ेगी तो जीवन में अवनति होगी। ऐसे में साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान देना है और धनतेरस से पहले पूरे घर में झाले साफ कर लीजिए, पूरे घर की सफाई कर डालिए। पहला नियम तो यही है। दूसरा, जब सफाई हो जाए तो झाड़ू बदल दीजिए। इस दिन नया झाड़ू खरीद करके लाएंगे आप शुभ मुहूर्त में भाई। इस दिन प्रतिष्ठान, दुकान, घर, उद्योग, जहां कहीं भी हैं आप, साफ सफाई के बाद प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित जरूर करेंगे आप, दीप प्रज्वलित जरूर करेंगे आप। घर में रौनक बढ़ाइए, प्रकाश बढ़ाइए, यह दीपोत्सव है, प्रकाशोत्सव है, इसलिए इसमें जितना प्रकाश होगा उतनी मां भगवती लक्ष्मी की कृपा होगी। यह हो गया कि दीप प्रज्वलित करें। अगला क्या उपाय है? एक उपाय जो अति महत्वपूर्ण है, जिसको आप जरूर करिए, चाहे दुकान हो, प्रतिष्ठान हो, उद्योग हो, फैक्ट्री हो, मशीनें जहां आपकी लगी हैं, घर है, पूजा स्थल है, व्यापारिक स्थल है, जहां कहीं भी आप रहते हैं, उसके निमित्त इस दिन प्रदोष काल में संभव हो सके तो जब आप धातु के बर्तन खरीदने जाएं तो एक धातु का कलश भी लाइए। चांदी का लाइए, सोने का लाइए, तांबे का लाइए, पीतल का लाइए, स्टील का लाइए। नहीं सामर्थ्य है, आप अपने घर में हैं, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, कोई आवक नहीं है, तो भी आप लाइए। और क्या लाएंगे आप? तो आप मिट्टी का बर्तन लाइए, मिट्टी का कलश लाइए। कलश क्यों आएगा? कलश इसलिए आता है कि धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान मां भगवती लक्ष्मी अमृत कलश के साथ प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन कलश भर करके जल रखने के लिए कलश जरूर खरीद कर लाना है। घर में प्रकट करिए कलश को, घर में लाइए कलश को, माता लक्ष्मी की शुभ कृपा घर में बढ़ेगी। क्या उपाय करना है, ये दीपावली वाले दिन करना है, इसको हम अलग से जो वीडियो देंगे उसमें हम बताएंगे आपको क्या करना है। अगला क्या उपाय करेंगे आप इस दिन? तो शुभ मुहूर्त में स्थिर लग्न में
सुबह चौघड़ियों में सूखा धनिया खरीद कर लाएंगे। अब धनिया क्यों लाएंगे भाई? इसलिए लाएंगे क्योंकि भगवान गणेश बुध के अधिपति देवता है, यानी जो बुध ग्रह है वह ठीक होता है भगवान गणेश की पूजा आराधना से। विघ्नहर्ता है, बुद्धि से विघ्न का क्षरण होता है, हरण होता है। तो बुद्धि का कारक ग्रह बुध है। और धनिया, जब हरा धनिया घर में आप लाते हैं, सूखा हरा धनिया, पीसा हुआ नहीं, खड़ी धनिया, तो ऐसा माना जाता है कि बुध की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, भगवान गणेश की शुभ कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए घर में शुभता बढ़ाने के लिए, धन का आवक बढ़ाने के लिए इस दिन यह प्रयोग करेंगे आप। अगला क्या उपाय करेंगे? अगला एक और मजबूत उपाय है कि इस दिन आस पड़ोस में देखिए, कोई विधवा स्त्री है, कोई असहाय व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दीपावली धनतेरस सही ढंग से नहीं मना पा रहा है, तो आप अपने खर्च से काट करके कुछ खर्च उनको प्रदान कर दीजिए। सफेद मिठाई मां दुर्गा के मंदिर में चढ़ाइए या उस विधवा स्त्री को दीजिए श्रद्धापूर्वक, प्रेम से। तो ऐसा करने से एक तो शुक्र की शुभ कृपा प्राप्त होती है, शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्र की अधिपति देवता माता लक्ष्मी है, इसलिए मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो इस दिन यह दो, यह सब उपाय आपके जीवन की शुभता को बढ़ाने वाला होगा। एक और उपाय मजेदार है, उसको करिए, बड़ा सामान्य सा है। गाय भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, शुक्र मजबूत होते हैं गाय की सेवा करने से। ऐसे में हम गाय को रोटी खिलाना ना भूलें, रोटी देना इस दिन कतई ना भूलें। फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद है और प्रगति का मार्ग खुलेगा आप सभी के जीवन में, शुभता बढ़े, माँ भगवती लक्ष्मी भगवान गणेश कुबेर महाराज की कृपा बरसे। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनमस्कार।